आदाब नाजरीन, SMH न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बल्लागुड़ा जागीर सन सिटी में ऑर्गेनाइज़र राजशेखर रेड्डी की जानिब से अजीमोशान अंडर वाटर फिश टनल ग्रैंड एक्सपो 2023 का 26 जून बरोजे पीर को राजेंद्र नगर MLA टी प्रकाश गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। एक्सपो जो लेकर आए हैं 180 डिग्री मॉरन व्यू, फिश टनल और एक्वेरियम। अब आपको कहीं फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं। हर साल की तरह इस साल भी ग्रैंड मेला मुनक्किद किया जा रहा है, जहां पर रंग बिरंगी मछलियां आपको देखने मिलेंगी। इसके अलावा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर एग्जीबिशन, हिंदुस्तान का नंबर वन एग्जीबिशन, जहां आप अपने फैमिली दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ लाएं। शॉपिंग, फूड कोर्ट, अम्यूजमेंट राइड्स, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, कोलंबस ड्रैगन ट्रेड और बहुत कुछ चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। बल्लागुड़ा जागीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर महिंद्रा गौड़, बल्लागुड़ा जागीर डिप्टी मेयर, बल्लागुड़ा जागीर वार्ड नंबर 17 कॉरपोरेटर प्रेमलता, वार्ड नंबर 20 कॉरपोरेटर सागर गौड़ और दीगर 20 मौके पर शिरकत करेंगे। ऑर्गेनाइज़र राजशेखर नेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। SMH न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार बल्लागुड़ा जागीर में अपना सन सिटी में अंडर वाटर टनल एक्सपो कल शाम 6:30 बजे से शुरू होने वाली है। इसको प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं हमारा MLA साहब प्रकाश गौड़ साहब, उसके साथ ही महेंद्र गौड़ साहब मेयर साहब है, राजेंद्र रेड्डी साहब डिप्यूटी मेयर साहब है और उनके साथ यहाँ का जो कॉरपोरेटर साहब लोग भी इधर बता रहे हैं एग्जीबिशन खोलने के लिए। यहाँ पे हम लोग इसके पहले इसको कुकटपल्ली में हैदराबाद लोगों को दिखाया था एग्जीबिशन। इस बार कुछ नया तरीका से, यानी उधर जो मच्छियाँ हैं अलग किस्म का मच्छियाँ वहाँ पर बताया था, हैदराबाद का जनता बहुत खुश हुआ है। वो लोगों को नज़र रखते हुए यहाँ पे बल्लागुड़ा जागीर पे सन सिटी में और अच्छा मच्छियाँ, यानी यहाँ पे अरापैमो में गोल्ड फिश एक लेकर आया, उसके साथ एलिगेटर का बड़ा यानी बड़ा मच्छियों के साथ में छोटा छोटा मच्छियाँ भी इसमें बहुत इंक्लूड करके इधर लेकर आया। क्यों कर अभी 4 दिन में 5 दिन में बकरीद होने वाली है, उनको भी नज़र रखते हुए बच्चों को खुशी करने के लिए यहाँ पे 23 से ज़्यादा झूला भी यहाँ पे लगाया गया है, जैसा जॉइंट व्हील, कोलंबस, सेलम्बो, उसके साथ स्क्रैम टावर, इसी अपना सुनामी, बहुत झूले भी बच्चों को एंटरटेनमेंट कर लगाया। उसके साथ ही 100 का ऊपर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हाउस होल्ड समझ का जो स्टॉल्स लगती है वो स्टॉल्स भी इस नुमाइश में लगा हुआ है। ये नुमाइश 60 दिन भरपूर ये ग्राउंड में चलने वाली है। जो भी जनता एग्जीबिशन देखने के लिए आता है वो लोगों के लिए पार्किंग का भी हम लोग व्यवस्था किया हुआ है। उसके साथ ही साथ और ये ग्राउंड पूरा डस्ट फ्री एग्जीबिशन है, इसमें पूरा कारपेट बिछाया गया, यानी बरसात में भी अगर पब्लिक आ गए तो उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने की जैसा पूरा व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। ये एग्जीबिशन कल शाम 6:30 बजे से अपना हैदराबाद जनता का सामने आने वाली है। 60 दिन ये कार्यक्रम ये ग्राउंड में चलने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ का जो टिकट रहेगा बड़े आदमी के लिए 150 रुपया, बच्चों के लिए 120 रुपये रहेगा, बिलो 3 ईयर्स बच्चों के लिए फ्री में रहेगा। और इसके साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट जो लोग रहता है वो लोगों के लिए पूरा एग्जीबिशन फ्री रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? एग्जीबिशन का टाइमिंग ये रहेगा, सवेरे 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये शो चलते रहती है। क्यों कर एक ही साथ हम लोग ज़्यादा लोग आ गए तो इसके अंदर भेजने के लिए नहीं होता है, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए हम लोग ने टाइमिंग चेंज किया है। सवेरे 12 बजे एग्जीबिशन चालू होता है, रात को 10 बजे तक कभी भी जनता आके देख सकती है, आइटम झूल सकती है, साथ साथ ही शॉपिंग भी कर सकता है। ये लोकेशन जो है बल्लागुड़ा जागीर सन सिटी में अपना KSR गार्डन की बाजू में लगा हुआ है, विशाल सुपरमार्केट की ऑपोजिट में ये प्रदर्शन लगा हुआ है। क्योंकि ये अपना इसमें कम से कम 750 किस्म का मच्छियाँ है और 3000 मच्छी इसमें पेश है। इसमें 750 वेराइटी मच्छी इसमें लगाया हुआ है। इसमें रेप्टाइल्स है और ऑस्कर फिश है और इलेक्ट्रिकल हील्स है, मतलब हनीमून फिश है, तरह तरह का फिश। सर ये फिशेस की स्पेशलिटी बताइए, जैसा कि आपको से समंदर में मिलता है जिसके लिए पब्लिक को, जैसा कि आप 150 रुपये के टिकट में पब्लिक को दे दे रहे देखने के लिए, लेकिन यही देखने के लिए लोगों को क्या वो करना पड़ता है जैसा दूसरे कंट्रीज? जी हाँ, अब बहुत अच्छा फरमाया साहब। ये शो देखना है तो ये सिंगापुर, मलेशिया या दुबई जाना पड़ता है।
क्योंकि दुबई में तो समंदर में बहुत टनल्स बना हुआ है, वहाँ पे अपन जाने के लिए 2-2 लाख रुपए खर्चा करके जाके देखना पड़ता है, यहाँ का टिकट मिनिमम वहाँ पे 3,000 रुपए रहता है। क्योंकि हमारा क्या है, आबादी ज़्यादा है, आबादी को नज़र रखते हुए हम लोग टिकट कम रखा तो ज़्यादा आदमी आके देखने के लिए उन लोगों को अच्छा होता है। क्योंकि एक फैमिली आ गई तो मिनिमम 5 मेंबर 6 मेंबर्स तो आता है, वो लोगों को बच्चा भी होता है बड़े भी होता है, वो लोगों को नज़र रखते हुए 150 रुपये इसका टिकट तय किया हुआ है। इसके अलावा दूसरे शॉप्स क्या क्या रहेंगे यहाँ पे? इसके अंदर हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हाउसहोल्ड मटेरियल्स और उसके साथ आर्टिफिशियल ज्वेलर्स, उसके साथ ही फर्नीचर स्टॉल्स, यानी डिफरेंट स्टॉल्स, यानी 23 स्टेट से आया हुआ स्टॉल्स पूरा इसमें मौजूद है। इसके अंदर साड़ीज भी मिलता है, कॉस्मेटिक्स भी मिलता है, प्लास्टिक आइटम्स भी मिलता है, हर एक यानी एग्जीबिशन में जो जो चीज़ मिलता है नामपाली नुमाइश एग्जीबिशन में वो चीज़ पूरा यहाँ पे मिलता है। टोटली इसमें कम से कम आपको 150 स्टॉल है और तरह तरह का फूड कोर्ट्स भी ये है, मतलब एक फैमिली अंदर आ गए तो 3-3.5 घंटा उसको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। फूड वेज नॉन वेज सब तरीके सब मिलेगा आपको, फूड में वेज भी मिलेगा नॉन वेज भी मिलेगा, तरह तरह का फूड डिफरेंट फूड मिलेगा। क्योंकि एग्जीबिशन पूरा डस्ट फ्री एग्जीबिशन है, पब्लिक आके आराम से बैठ के खाने का व्यवस्था भी इधर किया हुआ है, और जो भी पब्लिक इधर आता है टू व्हीलर में आता है कार में आता है उनको पार्किंग का सुविधा भी पूरा किया हुआ है, पार्किंग फैसिलिटी भरपूर दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम एक 1,500-2,000 पीपल का तो हम लोग ने पार्किंग व्यवस्था किया हुआ है। कब से स्टार्ट कर रहे हैं ये? कल शाम 6:30 बजे से। डेट क्या है कल की? कल का डेट है 26/6/2023 शाम को 6:30 बजे हमारे MLA साहब का हाथ में इनॉग्रेशन होने वाली है। वैसे ही हमारे एरिया का जो मेयर साहब है उनके साथ ही डिप्यूटी मेयर साहब है, जो हमारे एरिया का दो कॉर्पोरेटर साहब लोग हैं, इधर सब लोग इधर पेश हो रहे हैं। थैंक यू।